है जी। तो बब्बा जी, एक जमाना ऐसा भी होगा जब आपके पास सब चीज होंगे, बैल वैल घोड़ी बोड़ी रखी? घोड़ी नहीं रखी, बैल रखे। बैल रखे? हाँ। नागौरी नस्ल के? हाँ। अच्छा अच्छा, तो लगभग खेती बाड़ी की अब कितनी बोरे? लगभग बोरे 100 बीघे। अच्छा अच्छा, तो नई तकनीक द्वारा कर रहे सारी खेती? हाँ। है देखो भाइयों, चार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल किसान योद्धा में, ठीक है जी। और आज हम पहुंचे हैं दुद्धा हेडी गाँव में, राम कुमार जी के घर पे। इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से मकान बना रखा जी गाँव के अंदर। ये देखो भाइयों, कितना बेहतरीन मकान है जी। तो आज मैं दुद्धा हेडी में हूँ, और इधर जस्ट इधर साइड में ट्रैक्टर ट्रॉली सब है जी, ठीक है भाइयों। ये देख सकते हैं इधर से, देखो भाई कितना बेहतरीन मकान है जी। और मैं तो ये चाहता हूँ जो मेरे गांव के किसान हैं, अपना गांव में ही मकान बनावे और अपने बड़े बुढ़ों की जमीन छोड़ के ना जावे। एक गाड़ी, एक ट्रैक्टर भाइयों, एक मस्जिद का ट्रैक्टर, इधर साइड में ट्रैक्टर खड़े कर रखे बब्बा जी ने, और उधर साइड में कृषि यंत्र है। राम राम बब्बा जी। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान चैनल में। तो बब्बा जी नाम जान चाहूंगा, शुभ नाम? राम कुमार। पिताजी का नाम? तुलसी राम। तो जो मकान देख रहा नक्शे से बना दिया दिमाग से? दिमाग से ही बना लिया। अच्छा अच्छा, कुछ अपना दिमाग लिया, कुछ मिस्त्री हो गए? हाँ, नहीं बन जा भाई, यहाँ तो काम बन जा। तो यो बताओ थोड़ा सा, जो जो मकान है लगभग कितने समय में तैयार होगा बब्बा जी? 4 साल में। 4 साल में बनने बनने में लग गए थे? हाँ। अच्छा अच्छा, तो आप क्या कर रहे हो, खेती बाड़ी? क्या खेती कर रहे भाई? तो किसान ही हो? हाँ। कच्चे पक्के? कच्चे ही। अच्छा। ये देखो भाइयों, तो दोस्तों ये हमारे बब्बा जी हैं, तो ट्रैक्टर वगैरह भी चला लेते होंगे तुम? तो ये ट्रैक्टर खड़े दो दो। अच्छा अच्छा, तो खेती बाड़ी कैसे कर रहे, सिंपल या नई तकनीक द्वारा? नवी कर रहे। नवी? ट्रंच का खड़ा करना? अच्छा अच्छा। और ये अंकल जी, अंकल जी आपका नाम? अच्छा अच्छा, देखो भाइयों, तो मकान बड़े तरीके से बना रखा जी है। टोटल कितनी जगह की बात करूँ, कितनी जगह में होगा ये बब्बा जी? 2 बीघे से ज्यादा। 2 बीघे से ज्यादा है? लगभग 3 बीघे के आसपास? 2-2.5 बीघे के आसपास? अच्छा अच्छा। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से मकान बना रखा जी गांव देहात के अंदर। और मैं तो ये चाहता हूँ जो मेरे किसान भाई है, अपना गांव के अंदर मकान बनाए, और जो अपने बड़े बुढ़ों की जमीन है उसको छोड़ के ना जावे। ये सामना कमरा सारा ही है बब्बा? ये देखो भाई, तो बैठक कहाँ है? बैठक बैठक कहाँ है जी? तो बब्बा जी, एक जमाना ऐसा भी होगा जब आपके पास सब चीज होंगे, बैल वैल घोड़ी बोड़ी रखी? घोड़ी नहीं रखी, बैल रखे। बैल रखे? हाँ। नागौरी नस्ल के? हाँ। अच्छा अच्छा, तो लगभग खेती बाड़ी की अब कितनी बोरे? लगभग बोरे 100 बीघे। अच्छा अच्छा, तो नई तकनीक द्वारा कर रहे सारी खेती? हाँ। है देखो भाई, आज मैं आया था तो मैंने बब्बा जी से मिला, मुझे काफी अच्छा लगा। और ये 2-1 बीघे में तो इनका घर ही घर है, जो कि मैं आपको दिखाया। देखो भाई, ठीक है जी, तो काफी मेहनत लग जाओ भाई वीडियो में। और इधर साइड में इनके ट्रैक्टर है जी, इधर से मैं आपको एक बार दिखा दूं। ये देख लो भाइयों, इधर ट्रैक्टर है जी, और इधर देखो भाइयों, ये मकान है। तो किसान भाइयों, हमने आपको दिखाया मकान कवरेज करके, और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए आती रहेगी। उधर साइड में देख लो कितने सारे कृषि यंत्र है। देखो भाइयों, ये देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कृषि यंत्र है जी उधर साइड में, और ये मकान है जी, ठीक है जी। ये देख लो भाइयों, तो बहुत अच्छा लगा अंकल जी से मिल गया। तो किसान भाइयों, वीडियो शेयर करना। राम राम भाइयों, नमस्कार, सत श्री अकाल।